जब तेरी याद आएगी तेरी गलियों से गुजरा करूंगा मैं, जब तेरी याद आएगी तेरी तस्वीरों से कहूंगा, तेरी तस्वीरों से कहूंगा तू मेरी आदत तू है इबादत। हेलो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, इट्स संदीप कुमार एंड यू आर वाचिंग मोस्ट वांटेड चैनल ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स कॉलेज संदीप मेगा स्टार। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास है, बाकी सब बकवास है। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बतलाने वाला हूँ कि हम एक्चुअली करते क्या है कि बहुत सारे नए नए जो बंदे हैं और मैं भी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये नॉलेज सबसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं बंदे हमारे जैसे वो फ्री टाइम में सोचते हैं कि हम क्यों ना दूसरी स्टेट में जाकर कुछ काम करें, ठीक है, फॉर अर्निंग पर्पस ऑफ पर्पस इज अर्निंग फॉर मनी और पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम ये होता है ना कि मैं इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ कि हम बिना पैसे के पहला दिन सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अगर आप किसी भी नई सिटी में जाते हो तो फर्स्ट डे का जो सर्वाइवल होता है बहुत ही यादगार होता है। तो मैंने भी ये गलती की और मैंने बहुत सारा ठोकर खाया और क्या सीखा कि किस तरह हम नए सिटी में जाकर रहे और वहाँ पे कैसे सर्वाइव करें फर्स्ट डे, क्योंकि फर्स्ट डे पर हमारे पास इतना सारा नॉलेज नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के पास तो पैसे भी नहीं होते हैं कि फर्स्ट डे सर्वाइव कैसे करें। तो मैं इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ कि फर्स्ट डे विदाउट मनी हम लोग कैसे सर्वाइव और कैसे सिटी में रह सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये गाइस कि मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई गया हुआ था, ठीक है, तो आप लोग करना क्या, सबसे पहले आप लोग को तलाशना है बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट, होटल्स 3-4 स्टार जो भी रहे अच्छे से होटल्स देखना है, ठीक है, और वहाँ जाके उनसे रिक्वेस्ट करना है कि मुझे कोई भी जॉब चाहिए। और जैसे मैं बतलाता हूँ कि आप जब फर्स्ट डे पहुँचोगे तो एक्चुअली स्टार्ट हो चुका होगा, दिन भी रहेगा तो दिन भी आप इधर घूम फिर के कुछ ना कुछ करके पास कर लोगे, लेकिन बच्चा रात कैसे बितानी है। तो मैं बताता हूँ सबसे अच्छा आइडिया है कि आप कोई ना कोई रेस्टोरेंट को ढूंढिए, उस रेस्टोरेंट में या होटल में अपने जॉब अप्लाई कीजिए मात्र एक दिन के लिए, ठीक है, रात बिताने के लिए। तो अगर आप होटल में जाते हैं आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएगी, हजारों लाखों होटल ऐसे हैं कि वहाँ पे वैकेंसी हमेशा खाली रहती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वैकेंसी हमेशा खाली रहती है और लोग जाते हैं उनको जॉब मिल जाती है। तो मैंने भी वैसा किया था, तो मैं गया था और जॉब मुझे मिल गई थी। तो मैं क्या करता था कि वहाँ जाता था फर्स्ट डे, और होटल ऐसा है कि वहाँ खाना पीना तो भगवान मिलेगा आपको, भरपेट खाओ, तो एक दिन रुको मस्त दबा कर खाना खाओ, पेट टाइट करो, पूरा दिन का थकान मिटाओ। और वहाँ जो उनका स्टाफ रूम रहता है, स्टाफ रूम में आप जाके रह सकते हो, रहने के बाद मस्त नहाना धोना जो फ्री माइंड हो जाएगा और अगले दिन का प्रिपरेशन करो कि अगला दिन करना क्या। मैं बतलाता हूँ आपको कि अगर आपके पास कुछ दिन के लिए पैसे नहीं है तो आप इस तरह एक होटल्स में रुक कर काम करके पैसे इकट्ठा करके कुछ अपना टारगेटिंग जो टारगेट लेके गए हो उस टारगेट को वहाँ लगा सकते हो, उसके ऊपर काम कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी आइडिया है गाइस, अगर आप छोटा सा दिमाग लगाओ, नॉलेज लगाओ, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को हैंडल करते हुए आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है 4 सालों का और मैं 4 साल मुंबई में काम किया हूँ और मैं टारगेटिंग मुंबई में रहना उसको अलग पर्पज है, लेकिन ये मैं हमेशा करता हूँ और मैं हमेशा इसमें आगे निकल जाता हूँ। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ये थी, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आप लोग इसका फायदा ज़्यादा उठाओ और मजे करो जिंदगी में। तो बस यही पर्पज पे वीडियो बना रहा था और आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ गाइज, और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर गेटिंग नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना।